सो हेलो फैंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं बिल्कुल ही ऑसम सी वीडियो के साथ, जिसमें हम जानने वाले हैं कि डीएनए एलियन कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे इतनी ज्यादा तादाद में रहते हैं। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी है। तो आपका एक लाइक हमें कहीं ज्यादा मोटिवेशन दे सकता है। और अगर चैनल पर नए आ गए तो भाई सब्सक्राइब करो, करके रहे। और अगर ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आप चाहे तो हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पर भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, जानते हैं कि कैसे जो डीएनए एलियंस वो रिप्रोडक्शन करते हैं और इतनी ज्यादा तादाद में रहते हैं और इसके पीछे के जो भी रीजंस हैं। तो शुरू करते हैं बेंटन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल स्पीशीज में से एक हाइब्रिड से, जिसकी जो स्पीशीज है उनका नाम है अटानसियन और ये अगस्त्रका प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। जो अटानसियन से उनके पास पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा तादाद वाली सेना है। अटानसियन खुद को पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल और प्योर ब्लड के सोचते हैं। अटानसियन या हाइब्रिड के हिसाब से दूसरी स्पीशीज हाइब्रिड के लिए एक खतरा है, इसलिए हाइब्रिड ने दूसरी स्पीशीज को गुलाम बनाना या उन्हें खत्म करने का सोचा। इसके लिए जो अटानसियन है उन्होंने एक सीनोसाइड नाम का एक पैरासाइट बनाया है, जो किसी भी स्पीशीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है और उन्हें एक डीएनए एलियन बना देता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीनोसाइड आखिर ये सब करता कैसे और सीनोसाइड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सीनोसाइड एक तरह का पैरासाइट है जो किसी भी डीएनए के साथ मर्ज हो सकता है और उसे अपने कंट्रोल में ला सकता है। तो चलिए सीनोसाइट के बारे में थोड़ी और मेन बातें जान लेते हैं। जो सीनोसाइट है गाइस, वो एक मल्टी डीएनए बॉन्डिंग से बने होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो सीनोसाइट है उसे कई तरह के डिफरेंट डीएनए से बनाया जाता है और ये किसी भी तरह के डीएनए को के स्पीशीज को कंट्रोल कर सकता है। और जब ये सीनोसाइट किसी को कैप्चर करते हैं या किसी को कंट्रोल करते हैं तो डीएनए एलियंस बन जाते हैं। और अगर हम इसे किसी दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम इसे होस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि जो सीनोसाइट है वो जब किसी चीज या किसी डीएनए के स्पीशीज के साथ अटैच होते हैं तो वो एक होस्ट होता है उस सीनोसाइट के जिंदा रहने के लिए, क्योंकि बिना होस्ट के जो सीनोसाइट है उनका अस्तित्व लगभग ना के बराबर है। होस्ट वर्ड को सुनकर तो आपको शायद वेनम की याद आ गई होगी, क्योंकि वेनम भी सेम तरीके से वर्क करता है। तो वेनम भी एक सिम्बोइट या पैरासाइट है और डीएनए एलियंस के जो सीनोसाइट्स होते हैं वो भी एक पैरासाइट है। लेकिन यहाँ पर जो सीनोसाइट और वेनम है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन इनका जो वर्क है वो एक जैसा ही है। दोनों ही माइंड कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों में जो डिफरेंसेस वो ये है कि वेनम ज्यादा पावरफुल है सीनोसाइट्स के मुकाबले, और बिना होस्ट के भी वेनम काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। आपको सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे कि हीरो भाई इतनी रामायण क्यों सुना रहे हो, सीधा मुद्दे की बात करो ना। तो गाइस, सीनोसाइट के बारे में जान लेना मेन बात थी, और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे की जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। और आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि डीएनए एलियंस ऐसा क्या करते हैं कि इतने पॉपुलेटेड रहते हैं, तो गाइस ज्यादा ठरकी मत बनो, ठीक है। आई होप कि आपको सीनोसाइट्स के बारे में पता लग गया हो। सो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो गाइस, जो सीनोसाइट्स है वो एक जेंडर लेस बींग है। जी हाँ गाइस, जो सीनोसाइट्स है वो एक जेंडर लेस बींग है। और जब सीनोसाइट अपने किसी होस्ट के साथ अटैच होता है या मर्ज होता है तो वो होस्ट चाहे मेल हो या फीमेल हो, डीएनए एलियन बनने के बाद वो जेंडर लेस हो जाता है, जिसका साफ भाषा में मतलब ये है कि दे कैंट हैव डॉट। आप लोग बहुत तेज हो, समझ जाओगे। तो अगर डीएनए एलियंस जेंडर लेस हैं तो वो इतने पॉपुलेटेड कैसे रहते हैं, वो ऐसा कैसे करते हैं, और सीनोसाइट कहां से आते हैं और सीनोसाइट कैसे बनते हैं, ये सवाल अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो रुको भाई, सबर रखो, बता रहा हूँ। सो गाइस, मेरी रिसर्च कहती है कि जो सीनोसाइट्स हैं वो अंडों से निकलते हैं, और ये अंडे कौन देता है ये तो मुझे भी पता नहीं लगा, काफी रिसर्च करने के बाद भी नहीं। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात तो पता लगी है कि ये जो अंडे हैं उन्हें ऐसे ठंडे पानी में रखा जाता है जो कि हाइब्रिड के लार से बनी होती है, और इन्हें हैच होने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन ठंडे पानी में, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि ये ठंडे पानी में कैसे हैच होते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट ये भी है कि जो सीनोसाइट्स हैं वो समय से पहले भी हैच होकर बाहर आ सकते हैं। और अगर आपने बेंटन एलियन फोर्स के सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि जब बेंटनसन, क्वेंटनसन और केविन 11 डीएनए एलियंस के अड्डे में घुसने लगे थे तो वो एक टैंक में से होकर जा रहे थे, जिसके अंदर सीनोसाइट्स के अंडे रखे हुए थे, और कुछ सीनोसाइट्स समय से पहले भी बाहर आ गए थे। सभी बातों की बस एक बात कि आखिर ये सीनोसाइट के अंडे देता कौन है। सो रिप्लाई है कि कोई भी नहीं। अब आधी ऑडियंस तो ये सोच रही होगी कि भाई क्यों इतना घुमा रहे हो, साफ साफ बताओ ना, या फिर आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। सो भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइस जो सीनोसाइट्स है वो एक जेंडरलेस बींग है, और तो और ये नेचुरल बींग्स भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें आर्टिफिशियली
हाईटेक वेपन्स की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है और इन्हें मल्टी डीएनए की हेल्प से बनाया गया है ताकि ये किसी भी तरह के डीएनए को साथ अच्छे से मर्ज हो सके। और जब वो सीनोसाइट किसी भी स्पीशीज के साथ मर्ज हो जाता है तो वो जो होस्ट है वो सीधा ही कमांडर हाइब्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है जिससे वो अपने कमांडर ऑर्डर्स को फॉलो कर पाता है। तो यहाँ पर आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई उस मशीन का नाम क्या है जो सीनोसाइट्स के अंडे देती है। तो मैंने काफी सर्च किया, बहुत दिन लगे मुझे, बट मुझे उस मशीन का नाम पता नहीं लगा, इसलिए मैं उसे अननोन मशीन बोलता हूँ। सो आई होप कि आपको पता लग जाए, तो आप जरूर कमेंट कर दें। सो गाइस, अब हम वीडियो के बिल्कुल ही एंड में पहुंचने वाले हैं, लेकिन गाइस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक बोनस फैक्ट रखा है ताकि आप ये ना सोचें कि वीडियो में इतनी लंबी रामायण बताई और लास्ट में बता दिया कि सब आर्टिफिशियली है। सो यहीं पर खत्म नहीं है, साथ में अगर आप बेंटन के बहुत बड़े फैन है तो आपको ये फैक्ट सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। So, बोनस फैक्ट ये है कि जो सीनोसाइट्स है वो मल्टी डीएनए बीइंग है, यानी कि कई तरह के डिफरेंट डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। और ये डीएनए कौन कलेक्ट करता है, यानी कि जो सीनोसाइट्स है उन्हें बनाने के लिए बहुत सारे डीएनए की नीड पड़ती है इस मशीन को। तो ये डीएनए कौन कलेक्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। सो मेरा रिप्लाई ये होगा कि जैसे एजमथ ने कोडॉन स्ट्रीम में डीएनए कलेक्ट करता है, उसी तरह से सीनोसाइट्स के लिए ये मशीन भी डिफरेंट जगह से डीएनए कलेक्ट करता है। गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड गाइस अगर आप ऐसी ऑसम वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो टाटा बाय बाय। Fucking on your bitch, yeah, that.